हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन कुमार है और आज हम लोग सनशाइन रिकॉर्डर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जो कि ये सोलर के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है इस डिवाइस का, जो कि इसके थ्रू हम लोग सनशाइन आवर मेजर करते हैं। सनशाइन आवर मीन्स हमारा सन कितना देर के लिए इफेक्टिव है, जो कि सोलर के लिए मेरा यूजफुल होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सनशाइन रिकॉर्डर के पास। जैसा कि मैंने बताया था कि अब हम लोग सनशाइन रिकॉर्डर देखेंगे। हम लोग का सनशाइन रिकॉर्डर देखिए यही है, ठीक, यही मेरा सनशाइन रिकॉर्डर है। अब हम लोग देखते हैं सनशाइन रिकॉर्डर कैसे वर्क करता है एंड इसको हम लोग किस डायरेक्शन में रखते हैं और इसमें कौन कौन से इसके मतलब कंपोनेंट्स इसमें जो यूज हैं वो, एंड ये हम लोग बहुत सारे बर्निंग स्ट्रिप्स देख रहे हैं एंड इसके स्केलिंग देख रहे हैं, तो इसका क्या है? इसका इसमें इंपॉर्टेंस है और हम लोग कैसे मेजर करते हैं कि हमारा सन कितने देर के लिए इफेक्टिव है एंड सनशाइन आवर कैसे निकालते हैं। ओके, हम देखते हैं कि ये मेरा सनशाइन रिकॉर्डर है। इसे हम लोग सबसे पहले साउथ फेसिंग लगाएंगे, ठीक है। साउथ फेसिंग इसी लगाएंगे क्योंकि हम लोग जैसे इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जिस कारण से हम लोग जो भी चीज़ लगाते हैं इसलिए क्योंकि हम लोग का साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो मेरा ईस्ट टू वेस्ट होता है वाया साउथ, जिस कारण से हम लोग इसको साउथ फेसिंग रखेंगे क्योंकि हम लोग का सन का जो मूवमेंट है ये मेरा ईस्ट टू वेस्ट है लेकिन साउथ है। ओके, अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो मेरा स्फीयर है, ओके, ये स्फीयर एक लेंस की तरह काम करता है। इसका काम ये है कि ये मेरे लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में लाइट को ला करके एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ये मेरा फोकस करेगा एंड ये जो हम लोग स्फेरिकल पार्ट एक देख रहे हैं, स्फेरिकल पार्ट, ठीक है, ये स्फीयर मेरा यूज हो रहा है, स्फेरिकल जो मेरा मेटल का ये दिख रहा है, इसी में हम लोग बर्निंग स्ट्रिप लगाते हैं, इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं कितने देर के लिए मेरा सनशाइन आवर इफेक्टिव है एंड इसको हम लोग ग्रूविंग किए हुए हैं इसे एंड ये मेरा मार्बल है और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके नीचे यहाँ पे स्केलिंग की हुई है। स्केलिंग के थ्रू हम लोग ये करते हैं कि हम लोग का कि लैटिट्यूड पे हम लोग इसको लगाते हैं ताकि हम लोग का इफेक्टिव सनशाइन आवर इसके थ्रू पता चले। ओके, अभी जैसे मैंने इसे साउथ डायरेक्शन में फिक्स कर दिया है एंड अब जो इसमें जो हम लोग बर्निंग स्ट्रिप या ट्रेस पेपर जो लगाते हैं, ओके, इसी को देखिए बर्निंग स्ट्रिप या ट्रेस पेपर बोलते हैं। तो डिफरेंट सीजन के लिए अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे ये मेरा कर्व हुआ, ये मेरा स्टेट हुआ, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के आते हैं। जनरली ये तीन सीजन्स के लिए मेरा यूज होते हैं। ये नीचे वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये मेरा समर के लिए होता है एंड ये अपर साइड का हम लोग विंटर होता है एंड ये इक्विनोटर के लिए होता है, ठीक है, जो कि मेरा विषुवत के लिए, जो ऐसा मानते हैं कि सन मेरा मिडिल में उस टाइम में होता है, ना समर में ना विंटर में, वो मेरा मिडिल का सीजन जो होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे बर्निंग स्ट्रिप लगाते हैं। ओके, अब देखिए बर्निंग स्ट्रिप में जो हम बता रहे थे कि डिफरेंट सीजन्स, डेट मीन्स कहने का मतलब है इसमें मेंशन होता है कि 15 अक्टूबर to 28 फरवरी, ओके, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, इस पर्टिकुलर मंथ के लिए मेरा ये बर्निंग स्ट्रिप वर्क करेगा, जो कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि अक्टूबर के बाद से मेरा सन जो है मेरा सनशाइन घटने लगता है, धीरे करके देखते हैं क्योंकि वो मेरा ठंड का टाइम आ जाता है, मतलब हम लोग विंटर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको अपर साइड में लगाते हैं। ओके, ऐसे करके हम लोग इसको अपर साइड में लगाते हैं, इसको देखिए ये ऐसे ही लगा होता है। ओके, एंड और हम लोग दूसरा एक ट्रेस पेपर या बर्निंग स्ट्रिप देखते हैं, इसका मेंशन है कि फर्स्ट मार्च टू 11 अप्रैल एंड 3rd September to 14th October, डेट मीन्स ये मेरा मिडिल में, जो कि मेरा समर का टाइम होता है, ये हम लोग यहाँ नीचे में लगाते हैं। ओके, एंड जो मिडिल वाला है वो अभी पास, सॉरी, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका बर्निंग मेरे पास अवेलेबल है, इसका बर्निंग ये वाला है। ओके, एंड अभी जैसे मानिए मैंने इसे यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसके थ्रू क्या हुआ, सनलाइट को ये कन्वर्ज करके एक पर्टिकुलर फोकल पॉइंट पे दिया। फोकल पॉइंट पे देने के बाद क्या हुआ, यहाँ हम लोग जो देख रहे हैं इसमें जो प्लस का साइन देख रहे हैं, तो इसी साइन को वो यहाँ पे कट करना स्टार्ट करता है, डेट मीन्स बर्न करना स्टार्ट करता है। जब ये बर्न करता है तो ये मेंशन है यहाँ पे मॉर्निंग के 6 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक, डेट मीन्स 6 AM to 6 PM तक, और ये इसी को बर्न करता है। अगर हम लोग मॉर्निंग में 9 o'clock को लगा रहे हैं तो 9 o'clock यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड ये मेरा 9 o'clock है, ये मेरा 12 noon है एंड मेरा ये 3 o'clock PM है एंड मेरा 6 o'clock PM है। ओके, तब यहाँ से ये मेरा बर्न करना स्टार्ट करेगा और ये एक आवर को डिनोट करता है, जैसे ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, 12 हुआ, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक बर्निंग स्ट्रिप देख रहे हैं जो कि मेरा बर्न हुआ है पहले से, हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखे थे, तो मेरा ये किसी एक मतलब 6 7 7:30 के आसपास ये जैसे स्टार्ट हुआ होगा बर्न करना, तो जैसे ये किसी एक मिडिल से स्टार्ट हुआ है, तो इसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए
जैसे ये वन डिवाइड तो वन आवर को शो कर रहा है, बट ये जो इतने दूर का जो मेरा डिवीजन है ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे मेजरमेंट होगा। इसके लिए हम लोग के पास सन साइन स्केल किया हुआ है। तो सन साइन स्केल हम लोग जैसे देखते हैं तो इसमें आप देखिए टू टाइप्स के स्केल हैं। ओके, एक स्केल क्या है, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन टाइप का स्केल दिख रहा है ये आपको स्ट्रेट स्ट्रिप के लिए है। एंड जो ये हम लोग दो टाइप के स्केलिंग देख रहे हैं कि एक मेरा स्ट्रेट ट्रेस पेपर के लिए है एंड सेकंड वन मेरा ये वाला, जैसे ये वाला हम लोग ट्रेस पेपर देख रहे हैं, ये मेरा कर्व्ड ट्रेस पेपर है एंड मेरा ये वाला स्ट्रेट ट्रेस पेपर है। ठीक है, तो हम लोग स्केलिंग इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि हम लोग का जो एक जो डिवाइड था ये मेरा एक घंटे का है, वन आवर का मेरा एक डिवीजन है, बट मेरा ये जो बर्निंग जो ये मेरा हुआ है ये एक पर्टिकुलर किसी एक जगह से हो गया है जिस कारण से हम लोग इसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं। सो हम लोग देख रहे हैं कि स्केलिंग मेरा कैसे होगा। एंड ये जो मेरा बर्निंग जो इतने पर्टिकुलर टाइम हल्का सा हुआ है थोड़ा सा, तो इसे हम लोग मेजरमेंट करने के लिए हम लोग के पास सन साइन स्केल है। अब सन साइन स्केल टू टाइप्स के होते हैं, एक मेरा स्ट्रेट ट्रेस स्केलिंग होता है और एक मेरा ये हम दूसरे टाइप का देख रहे हैं, ये मेरा ऐसा डिजाइनिंग टाइप का स्केलिंग है। ओके, तो इसे हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात ये है। ओके, जैसे ये मेरा स्ट्रेट है डैट मीन्स अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग इसका डिवीजन देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग इसके डिवीजन के थ्रू देखेंगे कि इसका डिवीजन कितने दूर तक हो रहा है। इसके डिवीजन यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है डैट मीन्स ये फोर घर, मतलब फोर डिवीजन हो रहा है, वन टू थ्री फोर हो रहा है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रेस पेपर का ये जो मेरा बर्निंग स्ट्रिप है इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। ओके, ये जो मेरा वन वन डिवाइड है ये मेरा वन वन आवर तो शो कर रहा है बट ये मेरा इतना छोटा जो ये जो मेरा बर्न हुआ है इसे कैसे मेजर करें। तो इसे मेजरमेंट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं हमारे पास टू टाइप्स के स्केल अवेलेबल है, सन साइन स्केल जिसे हम बोलते हैं ये हमारे पास टू टाइप्स के अवेलेबल है। ओके, कर्व वाला मेरा ये स्केलिंग है एंड स्ट्रेट लाइट का मेरा ये वाला स्केलिंग है। अब ये स्केलिंग करते कैसे हैं, तो आप इसे सही से देखिए, तो ये कम्प्लीटली इससे पहले हम लोग ऐसे बैठा देते हैं। ओके, एंड इसका जो ये जो हम स्केलिंग देख रहे हैं तो इसका एक डिवीजन 6 मिनट का है एंड 6 मिनट का है तो टोटल डिवीजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिवीजन का, डेट मीन्स ये 1 आवर का टोटली डिवीजन है इसका। ठीक है, तो अब इसका अगर हम लोग स्केलिंग देखें तो इसके ऊपर रख के इसका अगर स्केलिंग देख रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप, इसके ऊपर रख दीजिए इसे मैच करके। अब देखिए टोटली स्केलिंग कितना हो गया, वन डिवीजन टू डिवीजन थ्री डिवीजन फोर डिवीजन फोर एंड 4.5 डिवीजन अप्रॉक्स। ठीक है, फोर डिवीजन डेट मीन्स 24 मिनट एंड 0.5 डेट मीन्स 3 मिनट, तो 27 मिनट का टोटली ये डिवीजन हुआ। डेट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 27 मिनट एंड वन आवर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आवर्स 27 मिनट। एंड अब हम लोग इस साइड का भी देखेंगे, तो इस साइड का भी देखने के लिए एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग ने उसमें किया था। तो इसे पहले इसके ऊपर पहले फिक्स करके एंड इसकी डिवीजन देखेंगे ये कहाँ तक मेरा बर्न किया है, तो 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 डिवीजन तक एंड 64 मिनट 27 मिनट एंड 64 मिनट डैट मीन्स 51 मिनट डैट मीन्स कहने का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 घंटे 51 मिनट कम्प्लीटली ये मेरा पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 27 मार्च का, ये मेरा 8 घंटे एंड 51 मिनट के लिए ये मेरा सनसाइन अवेलेबल था। ओके, और ये मेरा लोकेशन कौन सा था, हम लोग देख सकते हैं लोकेशन मेरा यहाँ पे लखनऊ एंड मेरा लेटीट्यूड उस टाइम में 26.80 इसका लेटीट्यूड था, डिग्री लेटीट्यूड। एंड अब हम लोग अगर कर्व का देखें, जैसे हम दिखा रहे थे आपको बता रहे थे कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इसलिए स्केलिंग था एंड ये मेरा कर्व का स्केलिंग था, कर्व का स्केलिंग भी एज इट इज ही हम लोग वैसे ही देखेंगे। देखिए कर्व का भी स्केलिंग हम लोग ऐसे ही देखते हैं, सॉरी कर्व की भी स्केलिंग हम लोग ऐसे ही देखिए, इसे पहले ऐसे इस पर फिक्स कर दें फिर हम लोग देखेंगे कितने आवर का ये बर्न मैक्सिमम हुआ है और एक डिवीजन मेरा 6 मिनट का है, तो इसके अनुसार से हम लोग मल्टीप्लाई करके इसकी स्केलिंग निकाल देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।